हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा कहावत, एक ऐसा कोट जो आपको झटका दे देगा, जो आपके माइंडसेट को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, और एक ऐसा गेम जो हमेशा पुअर मेंटालिटी के लोग, जो हमेशा अनसक्सेसफुल लोग और गरीब लोग खेलते हैं, और अपने आप को इम्प्रूव करने का एक ऐसा तरीका जिससे आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे और आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो चलिए जानते हैं इन तीनों सवालों को। आज से एक साल पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। बुक के ऑथर है टी हार्व एकर। तो उस बुक में एक कहावत है, एक कोट है कि एवरीबडी इज सेल्फ मेड बट ओनली रिच पीपल एक्सेप्ट इट। मतलब कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सभी सेल्फ मेड हैं, खुद से बने हैं, लेकिन सिर्फ अमीर लोग ही इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए अमीर लोगों के नाम के आगे लिखा हो रहा था सेल्फ मेड मिलियनेयर, सेल्फ मेड बिलियनेयर्स। इस कोट का बेसिकली मतलब ये है कि आप लाइफ में जैसे भी हो, अमीर हो, गरीब हो, अच्छे हो, बुरे हो, इसके 100% जिम्मेदार आप हो, और आप अपनी लाइफ में जहाँ भी हो, जैसे भी हो, उसके रिस्पॉन्सिबल और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जाती है, क्योंकि आप अपने एक्शंस, बिहेवियर्स और हैबिट्स के ज़िम्मेदार हो, और आप अपनी लाइफ को बनाते हो, अपनी लाइफ को क्रिएट करते हो। लेकिन इस बात को सिर्फ रिच लोग ही एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, एक ऐसा गेम जो पुअर मेंटालिटी के लोग खेलते हैं, जो गरीब लोग खेलते हैं, जो अनसक्सेसफुल लोग खेलते हैं, वो ये है। उस गेम का नाम है ब्लेम गेम। ब्लेम गेम मतलब कि अपने को छोड़ करके हर एक दूसरे को दोषी ठहराना, हर एक दूसरे पे ब्लेम करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं लाइफ में कामयाब नहीं हुआ क्योंकि मेरे फादर ने मुझे वहाँ जाने से रोक दिया। मैं लाइफ में कामयाब नहीं हुआ और मुझे उस दिन वो बड़ी डील नहीं मिली क्योंकि उस दिन वेदर ख़राब था, वो आदमी ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, वैसा बिहेव किया, मेरे सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं है, मेरे कंडीशन ठीक नहीं है। मतलब कि वो लोग अपनी गलती को छोड़ करके दूसरे पे ब्लेम करते हैं। और लोगों की सबसे ख़राब आदत ये होती है कि वो लोग अपना गलती कभी नहीं मानते। वो लोग दूसरों पे उंगली उठाना बखूबी जानते हैं, लेकिन वो लोग कभी खुद पे झाँके नहीं देखते। मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको अपनी नज़रों को दूसरों से हटा करके अपनी तरफ करना होगा। मतलब ये कि आपको खुद के अंदर झांकना होगा, खुद के अंदर झांक के देखना पड़ेगा। और बिलीव मी, जब आप खुद के अंदर झांकते हो तब आपको खुद के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चलती है कि आप हैरान रह जाते हो। आपकी ताकत क्या है, आपकी कमज़ोरी क्या है, आप कौन सी चीज़ में अच्छे हो, आपकी काबिलियत क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो। और जब आपको ये सब पता चलता है तो मेरा ये मानना है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप खुद को जानते हो, खुद को पहचानते हो, खुद की ताकत को जानते हो, खुद की कमज़ोरी को जानते हो। और आप जब जानते हो तो आप उस मेरिट पे खेलते हो, और जब आप उस मेरिट पे खेलते हो तब आपका कोई कंपटीशन नहीं होता, तब आपको कोई पछाड़ने वाला नहीं होता, तब आप होते हो और आपका गोल होता है। जो इंसान खुद को जानता है, खुद को पहचानता है, उसको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता, और उसको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। एक स्टोइक कोट है कि फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, नॉट व्हाट यू कांट कंट्रोल। मतलब कि उन चीज़ों पे फोकस करो जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन बहुत ही दुख की बात यह है कि दुनिया के मैक्सिमम लोग उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जिनको वो कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, दूसरे लोग, आज का वेदर, आज का मौसम, और ना जाने ऐसे कितनी ही चीज़ों पे फोकस करते हैं जिनकी वजह से वो लोग सुकून की ज़िंदगी नहीं जी पाते। क्या आपने कभी ऐसे देखा है कि दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला, रतन टाटा, और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आपको क्या लगता है कि वो लोग दूसरों को झांकते हैं और वो लोग दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? और आपको लगता है कि कोई भी उन लोगों की शांति भंग कर सकता है? कभी नहीं, क्योंकि वो लोग खुद को जानते हैं, खुद को पहचानते हैं, और वो लोग खुद पर फोकस करते हैं। और जब आप खुद पर फोकस करते हो, खुद को जानते हो, तो आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो। और जब आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो तो फिर आप अपनी लाइफ को, अपने सर्कमस्टांसेस को पूरी तरह से बदल। वेल देन, दिस इज़ फरहान शमीमी। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।